राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हरे मटर की पूरी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो बस खाते ही जाएंगे। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे आसानी से मैसर से मैश कर सकते हैं। आजकल सबके पास ही मैसर होता है। आप देख सकते हैं इसका पूरन कितनी आसानी से बन गया है। ये देखिए, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। संजना बेस्ट डिलाइट में आपका स्वागत है। हमने ले लिया है ज़रूरत के हिसाब से मटर। आपको जितनी ज़रूरत हो आप उतना ले सकते हैं। हम, हमारे हस्बैंड, हमारे दोनों बच्चे रात को हम मस्ती करते हुए मटर को छील लेते हैं। देखिए, हमने मटर को दो पानी से अच्छे से धो लिया है। आपको भी ऐसे धो कर के इसे छानने के लिए रख देना है। फिर हमने ले लिया है 4 से 5 हरा मिर्च और कुछ लहसुन की कलियाँ, और इन दोनों को हम बारीक बारीक काट लेंगे। और फिर अब हम कुकर रख देते हैं और इसका गैस ऑन कर देते हैं। जब हमारा कुकर गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे ऑयल। आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, कोई भी डाल सकते हैं। हमने रिफाइंड ऑयल यूज किया है। और साथ में हम डालेंगे 2 चम्मच जीरा। जीरा आप ज़्यादा डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। और फिर साथ में हम तुरंत लहसुन डाल देंगे और हरा मिर्च भी, तुरंत हम मटर भी डाल देंगे। हमें लहसुन और हरा मिर्च को जलाना नहीं है। और इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। और ये खास है, हम चीनी ज़रूर डालेंगे। चीनी से हमारे मटर में मीठापन आता है, जिससे पूरियों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। देखिए, अभी हमारी सीटियाँ लग चुकी है। हमने गैस बंद कर दिया है। और ये हमने कुछ आलू और ये 4 टमाटर ले लिया है, और हरा मटर, धनिया, लहसुन और हरा मिर्च भी ले लिया है। पूरियों के साथ हम आलू टमाटर मटर की टेस्टी सब्जी बनाएंगे। देखिए, ये हमारा मटर हो चुका है। इनको हम थोड़ा गैस ऑन करके इसके पानी को थोड़ा और सुखा लेंगे। देखिए, ये अभी सूख चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसको एक थाल में निकालते हुए मैसर से इसको मैश करेंगे। देखिए, आप इसको बिल्कुल स्मूथ मैश कर लीजिएगा। मैसर से बिल्कुल आसानी से मैश हो जाता है, क्योंकि ये कुकर में बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए ये मैसर में बिल्कुल ही आसानी से मैश हो जाता है। सेम प्रोसेस से आप इसको बनाइएगा तो आपका मटर पराठा बहुत ही अच्छा बनेगा। देखिए, हमने सारे मटर को निकाल लिया है कुकर से। हम इनको बिल्कुल आसानी से अपने हाथों की मदद से ऐसे मैश कर लेंगे। हमने सारे मटर मैश कर लिया है और इसमें हमने डाल दिया है हरा धनिया। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे और इसको टेस्ट करते हुए इसका नमक हम एक बार टेस्ट कर लेंगे। कम तो नहीं है? इसका नमक टेस्ट करने के बाद हमें पता चला कि नमक कम है, तो हमने इसमें थोड़ा नमक और ऐड कर दिया है। अगर आपके पास सोया हो तो आप इसमें सोया भी ऐड कर लीजिएगा। सोया से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, पर दिल्ली में सोया नहीं मिलता है, इसलिए हमने स्किप कर दिया है। हम तो यूपी से हैं, वहाँ सोया बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। चलिए, अब हम सब्जी बना लेते हैं फटाफट। हमने हरा मिर्च और लहसुन को भी कट कर लिया, और साथ में हमारा कुकर भी गर्म हो गया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा ऑयल। आप कोई ऑयल यूज कर सकते हैं। अभी हमारे पास मस्टर्ड ऑयल नहीं था, इसलिए हम रिफाइंड ऑयल में ही बना रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा जीरा, और फिर डालेंगे इसमें लहसुन और हरा मिर्च डालेंगे कटा हुआ, और ये हमने आलू काट लिया था, हम इनको भी डाल देंगे। हमने आलू को बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है। आप अपने हिसाब से अपना शेप दे सकते हैं। अब हम टमाटर को भी चॉप कर लेंगे। टमाटर को भी हम बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। हम आलू, टमाटर और मटर की ही सब्ज़ी बना रहे हैं, क्योंकि हम पूरी के साथ खा रहे हैं। ये हमारे मटर पूरियों के साथ आलू, टमाटर और मटर की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपके पास मटर ना हो तो आप बस आलू टमाटर की भी सब्ज़ी बना सकते हैं, या आप किसी भी मसाले की सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, हमारा आलू भी भुन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। टमाटर को भी हम 1 से 2 मिनट भून लेंगे, और इसमें हम साथ में डालेंगे मटर और नमक, और साथ में हम हल्दी भी डालेंगे। आप चाहे तो इनमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम हल्दी और नमक से ही बनाएंगे।
ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है मटर के पराठे के साथ। हम इसे 1 से 2 मिनट चलाते हुए भून करके इसमें डालेंगे पानी, और हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। आप देख सकते हैं आपको जितना भी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी आप डाल सकते हैं। हमने छोटे गिलास से 1 गिलास के आसपास पानी डाल दिया है, और इसमें हम धनिया की पत्ती थोड़ा डाल करके इसका ढक्कन लगा देंगे। जब तक हमारा सीटी लग रहा है तब तक हम आटा गूंथ लेते हैं। हम आटा बहुत टाइट नहीं गूंथेंगे, हमें आटा को सॉफ्ट ही गूंथना है। हमारे कुकर में 3 सीटी लग चुका है, हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। चलिए अब हम आटा गूंथ करके फाइनल कर लेते हैं। देखिए हमारा आटा बिल्कुल सॉफ्ट गूंदा हुआ है। आपको भी ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूंदना है जिससे आपके पराठे बिल्कुल नहीं फटेंगे, आपकी पूरियां बिल्कुल भी नहीं फटेंगी। चलिए आपको दिखाते हैं हमारे आटे की लोई। देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। हमें अपने आटे को ऐसे ही गूंदना है। चलिए अब साथ में हम खीर भी बना लेते हैं। देखिए हमने दूध गर्म होने के लिए रख दिया था, ये उबल चुका है। इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा राइस, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमने राइस डाल दिया है। अब ये धीरे धीरे धीमी धीमी आँच पे पकेगा, तब तक हम अपना सब्जी चेक कर लेते हैं। देखिए अभी हमारी सब्जी रेडी है। हम इसे थोड़ा चलाते हुए इसे ढक के हम रख देंगे। थोड़ा इसमें हम धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। हमने गैस पे तवा रख दिया है, और साथ में हमने एक लोई ले लिया है। अपने लोई को ऐसे बिल्कुल कटोरी के शेप देना है, और फिर इसमें हम भर के पूरा डालेंगे पूरन। इसमें हमें खूब सारा पूरन डाल लेना है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना पूरन भर लीजिएगा। और देखिए इसको बिल्कुल आसानी से अपने लोई के मुँह को ऐसे बंद कर लेना है। देखिए और इसका मुँह बिल्कुल फाइनली बंद करने के बाद इसको चकले के आकार में बना लीजिएगा, और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे बेलना है दोनों साइड से। ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा, बस आपका आटा बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। और इसे हमें दोनों साइड से बिल्कुल हल्का हल्का सेक लेना है। सेक करके इसे हमें निकाल लेना है। अगर आपके पराठे फट जा रहे हैं तो आप इसे तवे पे ही तेल लगा करके सेक लीजिएगा। फटने के बाद आप इसे तलेंगे तो आपका ऑयल पराठा पी लेगा, इसलिए आप बिल्कुल हल्के हाथ से अपने पूरियों को बेलिएगा। देखिए हम दूसरा लोई भर रहे हैं। इसमें ऐसे कटोरी का शेप दे करके इसमें अपने फिंगर की मदद से अपने मसाले को अंदर कर लेना है, और फिर इसके मुंह को बंद कर लेना है अपने फिंगर के बिल्कुल हल्के हाथों से, और इसको ऐसे चकले के आकार में कर लेना है ताकि आपकी पूरियां फटे ना। आप बिल्कुल हल्के हाथों से इसे बेलिएगा, नहीं तो ये फट जाएगा। दोनों साइड से इसे हमें बेल लेना है, और बिल्कुल हल्का हल्का सेक करके हमें इसे निकाल लेना है। चलिए इधर हमारी खीर भी रेडी हो चुकी है। इसमें अपने स्वाद के अनुसार इसमें हम चीनी डालेंगे, और इसको हम 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। और इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल लेंगे। आप इसे चाहे तो काट के डाल लीजिए, या फिर ऐसे कूट करके भी डाल सकते हैं। हमारे पास अभी काटने का समय नहीं था, इसलिए हमने इसे कूट दिया है, और साथ में हमने इलायची भी कूट लिया है। हम इलायची भी ऐड कर लेंगे। और फाइनली अब हम पूरियों को तल लेते हैं। हमने तेल डाल दिया है कढ़ाई में, और उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। ये हमारी पूरियां हैं जिसे हमने सेक करके निकाल लिया था। अब एक एक करके हम अपनी पूरियों को तल के निकालेंगे। देखिए ये कितनी फूली फूली बन रही है। आप चाहे तो इसे बिल्कुल खस्ता बना सकते हैं। तेल में इसे हमें थोड़ी देर तक और तलना होगा, और बिल्कुल इसे लाल कर लेना होगा, जिससे बिल्कुल ये खस्ता पूरी बन जाएगा। हम इसे सॉफ्ट बिल्कुल बना रहे हैं, हमें ऐसे ही अच्छा लगता है। देखिए हम फटाफट इनको तल के निकाल लेंगे। जैसे ही ये दोनों साइड से अच्छे से सिक जाएंगे तो हम इसे निकाल लेंगे। देखिए अभी हमारी सारी पूरियाँ ऐसे ही हमें निकाल लेना है। आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली पूरियाँ हमारी बन रही है, और साथ में हमने कुछ पापड़ भी निकाल लिए हैं। देखिए हमारी सारी पूरियाँ
तल के रेडी है। इसको हमने कट करके भी दिखा दिया, ये देखिए कितना देखने में भी ये सॉफ्ट है। चलिए अब इनको आप सर्व करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे आलू टमाटर की सब्जी है, ये खीर है और ये हमारी मटर की पूरियाँ और ये पापड़, हमारी इमली की चटनी जो हमने पहले ही बना के रखा हुआ था, और इसके साथ हम अपने फैमिली के साथ इंजॉय करेंगे। आप भी इसे बनाइए और इंजॉय कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।